अरे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हर घर पाठशाला में। तो सेकंड क्वेश्चंस तक हमारा कंप्लीट हो गया था कि हम किस तरह की एप्लीकेशंस जो हैं वो स्प्रेडशीट के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट्स बनती हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज इसके अंदर बनती है, इनकम टैक्स और उससे रिलेटेड जो भी कैलकुलेशंस होती हैं वो इसके अंदर होती हैं। साइंटिस्ट जो होते हैं वो अपनी रिसर्च से लेकर जो कैलकुलेशंस का काम करते हैं वो इसके अंदर करते हैं। बिल्स होते हैं, इनवाइसेस होते हैं, वो भी इसके अंदर प्रिपेयर होते हैं। लोन एनालिसिस, लोन से संबंधित भी सारी के सारे जो भी विश्लेषण होते हैं वो सारा का सारा काम हम स्प्रेडशीट के अंदर करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी रोज एंड कॉलम्स इन MS Excel 2003। 2003 का जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसके अंदर कितनी रोज और कॉलम्स होती हैं? ठीक है, रोज और कॉलम्स मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। पहले तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने का मेथड मैंने आपको क्लियर किया हुआ था कि एक तो स्टार्ट प्रोग्राम से, एक यहाँ पे भी हम टाइप करके प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सेल, तो एक्सेल यहाँ पे आ गया। इसमें जो एक्सेल डाला हुआ है यानी कि एमएस ऑफिस जो इसके अंदर डाला हुआ है वो है एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, और एक्सेल 2013 का प्रोग्राम है। ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूँ रन। बात कर रहे हैं हम रोज और कॉलम्स की, तो चलिए देखते हैं रोज और कॉलम्स। तो ये जो MS Excel 2003 है इसमें जो रोज और कॉलम्स हैं वो हैं 65,536 रोज हैं और 256 जो है तो कॉलम्स हैं। ठीक है, 65,536 इसमें रोज हैं और 256 जो है वो कॉलम्स हैं। जो एमएस ऑफिस उसके अंदर जो प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसके अंदर जो रोज और कॉलम्स हैं वो ये हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो मैंने ऑफिस डाला हुआ है वो है 2013। 2013 में जो रोज और कॉलम्स हैं वो देखो यहाँ पे, हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 एंड लेटर वर्जन, और उसके बाद के जो भी वर्जन हैं। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आया था 2007 उसके अंदर जो रोज और कॉलम्स थे वो थे 10,48,576 रोज और 16,384 जो उसमें कॉलम्स हैं। ठीक है, यानी कि ये जो ऑफिस है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ठीक है, यानी कि जो इसमें जो यहाँ को जो कॉलम्स हैं ये नीचे को जो है वो रोज हैं। ठीक है, 10,48,576 जो ये नीचे को सारी की सारी रोज हैं। ठीक है, अगर इस साइड को हमने ये गिनने हो तो 16,384 कॉलम्स हैं। ठीक है, और यही जो 2003 एमएस ऑफिस था वहां पे यही चीज जो थी, ये मतलब ये जो रोज और कॉलम्स थे वो ये थे 65,536 रोज और 256 कॉलम्स। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या क्या लाभ हैं। द मेजर एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आर, फर्स्ट है, इट प्रोवाइड सेवरल बिल्ट इन फंक्शन टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, इट प्रोवाइड सेवरल, ये कई तरह के उपलब्ध करवाती है बिल्ट इन फंक्शन, पहले से ही बने बनाए इसके अंदर फंक्शन हैं टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, मुश्किल से मुश्किल समस्या का हल करने के लिए। ठीक है, अब ये फंक्शन कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूं। सेकेंड है, इट प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट्स टू एनालाइज नंबर्स। अब ये हमें तरह तरह के चार्ट्स भी उपलब्ध करवाता है टू एनालाइज नंबर, नंबर्स को एनालाइज करने के लिए, उनका विश्लेषण करने के लिए। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी हम ये चीज करते हैं, एक्स वाई एक्सिस पे अगर हमने चार्ट में ग्राफ में कुछ दिखाना हो, ठीक है, तो वो वाली फैसिलिटी भी इसके अंदर है। थर्ड आता है, इट कैन प्रोड्यूस आंसर्स विद ब्रांचिंग स्टेटमेंट सच एज इफ एल्स। इसके अलावा इसमें तीसरा है, इट कैन प्रोड्यूस आंसर, ये आंसर भी प्रोड्यूस कर सकती हैं विद ब्रांचिंग स्टेटमेंट, इसके अंदर कुछ एक डिसीजन मेकिंग ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स हैं इसके अंदर, जैसे कि इफ एल्स, जैसे मान लो पास फेल निकालना है, ग्रेडिंग निकालनी है। ठीक है, जैसे आपके बोर्ड के जो मार्क्स निकलते हैं, आपकी जो डिवीजन बनती है, तो वो एक लॉजिकल स्टेटमेंट के हिसाब से वो कैलकुलेट की होती है, यानी कि वो वाले काम जो है वो लॉजिकल काम जो है वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स भी इसके अंदर रहेंगी, लॉजिकल स्टेटमेंट्स इसके अंदर रहेंगी, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स जो है वो इसके अंदर रहेंगी। ये सारी की सारी चीजें आपको मैं प्रैक्टिकली अच्छी तरह से समझा दूंगा। ठीक है,
तो चलिए मैं आपको कुछ एक फंक्शंस दिखाता हूँ, चार्ट्स भी दिखाता हूँ और किस तरह से ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स का हम यूज करेंगे, ये आगे भी दिया हुआ चैप्टर में। तो कुछ एक चीजें मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे हम एक्सेल शीट के अंदर काम करते हैं। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे कुछ एक आंकड़े जो हैं वो यहाँ पे लिखे। ठीक है, ठीक है, अगर मान लो ये प्राइसेस हैं, ऐसे मान के चलते हैं। अब मान लो हमने इन सारे की सारे आंकड़ों को ऐड करना है, जमा करना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, यानी कि इनका सम करना है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, इसके अंदर पहले से ही बने बनाए फंक्शंस हैं, हम इसके ऊपर एक सिंपल सा फंक्शन यूज करेंगे और हर एक फंक्शन, हर एक उनको बोलते हैं हम फॉर्मूलाज। ठीक है, फॉर्मूलाज होते हैं वो फंक्शंस। तो ये सारे के सारे जो फंक्शंस एक्टिवेट होते हैं वो होते हैं इक्वल साइन से। ठीक है, सबसे पहले एक्सेल का ये रूल है कि हम सबसे पहले इक्वल को यूज करते हैं, बराबर है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 35 है, इसका हम एड्रेस देखते हैं कि 35 कहाँ पे है। तो पहले तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन से कॉलम में है, फिर देखेंगे कौन सी रो के अंदर है। देखो सी है, सी के नीचे है यहाँ पे ये 35, और सी के सामने यानी कि कौन सी रो में है, थर्ड रो में है ये, यानी कि C3 के ऊपर है ये, इसका एड्रेस है C3। ये देखो यहाँ पे भी ये एड्रेस दिखाता है यहाँ पे इक्वल टू C3। ठीक है, C3 से लेके यहाँ 53 तक C, इसका एड्रेस है 3, और यहाँ से यहाँ C18, ये 18 तक है। तो हम इस तरह से क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन यूज करते हैं सम, और यहाँ पे क्लिक करती हैं और फिर इनको हम करते हैं नीचे की तरफ माउस से सिलेक्ट यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया, देखो एड्रेस इसका, यानी कि हमने यहाँ पे क्या लिखा, C3 से लेके, यानी कि C3 से लेके C18 तक, ये देखो कॉलन, बीच में दो पिनियन का, इनको बोलते हैं कॉलन, जो भी वैल्यूज हैं वो सम हो जाए, ब्रैकेट बंद, एंटर, ये देखो ऑटोमेटिक सारा का सारा कैलकुलेट हो गया। तो सेम इसी तरह से हम इनको माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इनको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इनका एड्रेस डालेंगे। जैसे ये कहाँ पे है, C3 के नीचे है। ठीक है, इसका एड्रेस क्या है, 35 कहाँ पे है, C3 के नीचे, ये देखो C3, तो इसने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब 32 को इसमें से माइनस करना है, तो ये कहाँ पे है, D3 के नीचे। ठीक है, माइनस D3, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया 3। अब देखो इसमें एक और फैसिलिटी है कि मान लो यहाँ पे और भी आंकड़े लिखे हुए हैं, जैसे ये है, ये है, तो इनको, इनके लिए हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं हम ड्रैग करके सीधा अप्लाई करेंगे, तो ये सारे के सारे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, तो शीट के अंदर इस तरह से सारी की सारी ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, बराबर है, मान लो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो क्या लिखेंगे, 35 कहाँ पे है, C3 के नीचे है ये। ठीक है, C3, ठीक है, C3 पे है। मल्टीप्लाई के लिए हम एस्ट्रिक्स भी यूज करेंगे, और 32 कहाँ पे है, D3 के ऊपर। ठीक है, एंटर प्रेस किया, ये देखो मल्टीप्लाई भी हो गया, और निचले वाले करने हो सारे के सारे, ये भी ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये सारे ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से डिवीजन है, डिवीजन भी हम सेम ऐसे ही कर सकते हैं, फॉर्मूला इक्वल टू से शुरू होगा। ठीक है, जैसे इनको आपस में डिवाइड करना है तो क्या लिखेंगे, C3 डिवाइड के लिए हम डिवीजन वाला सिंबल यूज करेंगे, और 32 कहाँ पे है, D3 के नीचे, एंटर, तो ये डिवाइड भी कर देगा, और निचले वाले जो है इनको भी ऑटोमेटिक
डिवाइड कर दिया इसने, इस तरह से हम डिवीजन कर सकते हैं इनकी। ये मैंने आपको बताया इसमें बेसिक से काम, ठीक है, जो एक्सेल शीट स्प्रेडशीट कर सकती है। ठीक है, तो ये है इसकी एडवांटेजेस। इसके अलावा इसमें आता है कि इट कैन प्रोड्यूस आंसर्स विद ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स सच एज इफ एल्स। ठीक है, ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स को हमने कैसे यूज करना है चैप्टर में आगे सारा का सारा ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये रोज और कॉलम्स भी हो गए, इसकी एडवांटेजेस हो गई। बात करते हैं स्प्रेडशीट के पैकेजेस की। ठीक है, स्प्रेडशीट के जो पैकेजेस हैं, गिव सम एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट पैकेजेस। ठीक है, स्प्रेडशीट एक ही नहीं, इसके कई पैकेजेस हैं। ठीक है, सबसे जो वाइडली यूज किया जाता है, इनके जो फेमस है सबसे ज्यादा, जिसको हम ज्यादातर यूज करते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट के ही है। ठीक है, सम कॉमन एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट पैकेजेस आर MS Excel इज ए पॉपुलर स्प्रेडशीट पैकेज, इसको ज्यादा यूज करते हैं। इसके अलावा लोटस भी है, वर्जन है 1.2.3 है एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन हम ज्यादातर इसको यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफी थे, कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।